आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माई गार्डन में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो अंजीर प्लांट के ऊपर है। दोस्तों ये मैं एक जगह से मुझे ये कटिंग है वो मिल गए हैं। दोस्तों इसे इंग्लिश में फिग प्लांट भी बोलते हैं और मुझे एक जगह से दोस्तों ये हेल्थी कटिंग है वो मिल चुके हैं। एक दिन दोस्तों लेट हुआ था क्योंकि मैंने पानी में रख दिए थे तो अचानक से मुझे मिल गए हैं। और आज हम दोस्तों कटिंग से किस तरह से अंजीर के प्लांट को हम ग्रो करते हैं यही वीडियो के दौरान सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कुछ एक्स्ट्रा पत्तियाँ है वो मैं हटा देता हूँ और आप इसका नोड एरिया भी देख सकते हो कि किस तरह का है। नहीं हो दोस्तों तो आप नीचे की साइड कटर्स की मदद से एक कट भी कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी इसमें दोस्तों इस तरह से कटिंग हुए है तो इतना मैं नीचे की साइड कोई छेद नहीं करूँगा ना ही तो कट लगाऊँगा। इसका नोड एरिया ही इस तरह का है कि इसमें से आसानी से रूट है वो डेवलप हो सकते हैं। तो जो जो भी एक्स्ट्रा दोस्तों पत्तियाँ हो या तो कुछ ऐसी भी ब्रांच शायद हमें मिल जाएगी जिसमें फ्रूट है वो लगे हो तो वो भी हमें हटा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी एनर्जी है कटिंग की वो उसमें ही चली जाती है, रूट डेवलपमेंट प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये गमला है नीचे की साइड मैंने छेद कर दिया है। आप दोस्तों शुरुआती समय में इसे छोटा गमला होगा तो भी चलेगा, अच्छी तरह से रूट डेवलप हो जाए उसके बाद आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो। नीचे की साइड दोस्तों मैं ठीकरी की लेयर है वो बना लूँगा ताकि वाटर है वो आसानी से ड्रेनेज हो जाए। दोस्तों नीचे की साइड अवश्य ही हमें किसी भी प्लांट में दोस्तों ड्रेनेज होल जरूरी कर लेना चाहिए। तो एक मैं इसकी पतली लेयर है वो बना लेता हूँ ताकि यदि ओवर वाटरिंग हो दोस्तों तो आसानी से पानी है वो ड्रेनेज हो जाना चाहिए। इसके लिए दोस्तों जो मिट्टी मैंने तैयार की है वो एक पोरस प्रकार की मिट्टी तैयार की है और हल्की फुल्की इसमें गोबर खाद या तो वर्मी कंपोस्ट हो तो वो भी डाल देना चाहिए। दोस्तों इसकी सेफ्टी के लिए मैंने फंजीसाइड पाउडर भी लिया है तो वो भी मैं मिट्टी के साथ डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये मिट्टी है वो मिक्स करके एक पार्ट है वो पालो प्रकार की, एक पार्ट है वो खेत वाली मिट्टी, तो इतनी सॉफ्ट मिट्टी है वो बना लेनी है। उसके बाद ही दोस्तों इसमें कटिंग है वो ग्रो करना है और आसानी से दोस्तों इस तरह के कटिंग है वो लग जाते हैं। इसकी मौसम की बात करूँ दोस्तों तो वैसे दोस्तों बारिश का मौसम भी बहुत ही अच्छा होता है। एक हल्की सी दोस्तों हम फंजीसाइड की लेयर बना लेंगे ताकि कोई डिसीज इसमें ना लगे। तो दोस्तों बारिश का मौसम भी सही होता है लेकिन दोस्तों होली से पहले यदि लगा दिया जाए तो अभी ये विंटर का सीज़न चल रहा है दोस्तों तो उसमें भी अच्छे खासे रिजल्ट है वो मिल सकते हैं। बहुत ही तेज़ गर्मियों के समय में इस तरह के प्लांट है वो हमें नहीं लगाने चाहिए दोस्तों, इसमें रिजल्ट है वो कम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और भी है कि बारिश के मौसम में यदि लगाया जाए तो ऐसी जगह पर हमें इसकी प्लेस है वो रखनी चाहिए जहाँ ज़्यादा बारिश का पानी वाटर है वो इसके ऊपर ना गिरे क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी दोस्तों कटिंग है वो ये ज़्यादा वैसे दोस्तों इसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, इसलिए ऐसी जगह पर ही रखें कि जहाँ पानी हो डायरेक्ट इसे बारिश का ना मिले। तो ये वैसे एक जंगली प्रकार की एक वनस्पति है दोस्तों कि जहाँ बड़ा पेड़ भी बन जाता है। तो हमें तो दोस्तों गमले में लगाना है तो इसकी साइज है वो कम रहे और इसमें फ्रूट लगे, इस तरह की दोस्तों हमें इसकी केयर करनी चाहिए आगे भी। तो दोस्तों मैंने ये कटिंग है वो लगा लिए है, कटिंग है वो दोस्तों एक से ज़्यादा ही लगाने चाहिए दोस्तों, इसमें कभी कभी रिजल्ट है वो हमें कम मिलते हैं। तो यदि हमें 25 या 30% भी रिजल्ट मिले दोस्तों तो एक से ज़्यादा कटिंग लगाए। आपके पास दोस्तों कटिंग ज़्यादा अवेलेबल हो तो ज़रूरी 7-8 कटिंग ही लगाए। मुझे तो दोस्तों अचानक से ये कटिंग मिल चुके हैं और मैं मौसम की कोई अभी इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ, इसे ग्रो कर ही दूंगा और अच्छी तरह से दोस्तों एक बार हम वाटरिंग इसे कर देंगे। और दोस्तों इसको रेगुलर वाटरिंग भी हमें जब भी इसका मिट्टी का सरफेस एरिया थोड़ा ड्राई हो उसके बाद ही करना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करना है। धूप भी दोस्तों इसे हल्की फुल्की मिलती रहे इस तरह का ही हमें इसको डायरेक्शन देना है। और दोस्तों इसको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की और किसी की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। इसको ग्रो होने में दोस्तों कभी कभी एक मंथ से ज़्यादा का भी समय चला जाता है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।